असला जी आज की इस वीडियो में हम स्पॉट वेल्डिंग मशीन को देखेंगे जिसका मॉडल है सेवन जीरो नाइन एट इसका क्विकली रिव्यू करेंगे इसके सारे फीचर्स जो हैं वो फंक्शंस जो है वो सारे समझेंगे इसी एक से वीडियो में सबसे पहले तो यहाँ पे दो पावर के बटन दिए गए हैं में से स्पॉट वेल्डिंग मशीन के जहां से हम पल्स को एक्टिव करते हैं और दूसरा इसका सोल्डरिंग आयरन का जैसे मैं जो तो ग्रीन वाला बटन प्रेस करूंगा नीचे से लाइटें जो है वो ऑन हो गया मतलब ये स्पॉट वेल्डिंग के लिए रेडी है और इस बटन को ऑन करने से यहाँ पर एक इसके साथ दी जाती है सोल्डरिंग आयरन उसे एक्टिव किया जाता है और यहाँ से उस सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर जो है वो कम या ज्यादा किया जाता है छोटी सी लाइट है कितना करंट जो है वो सिलेक्ट करना है सेल को वेल्डिंग करते वक्त यहाँ से आप उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं जिस तरफ जैसे ही आप जाएंगे फाइव सिक्स सेवन की तरफ तो करंट जो है वो बढ़ता जाएगा डाउन करेंगे तो कम करंट जो है वो कम हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे पल्स दिए गए हैं इसमें टाइम का थोड़ा सा और बढ़ जाएगा मतलब एथ पे करेंगे, थोड़ा एट पे करेंगे थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर तीनों को प्रेस करके वेल्डिंग करेंगे तो टाइम का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ और उसके बाद यहाँ पे दो दिए गए हमें होल यहाँ पे लगेगा प्रोब्स इसके साथ प्रोब्स भी दी जाती हैं वो प्रोब्स यहाँ पर लगेंगी और इसमें एक पैडल लगेगा उन प्रोब्स को आप रखेंगे सलों के ऊपर निकल स्टिप के साथ और पैदल का जो बटन है वो ब्रश करेंगे तो फौरन से वहां पर वो पल्स इंजेक्ट हो जाएगी और आपकी स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी यहाँ पर ऊपर एक बटन दिया गया है घुमाने के लिए इसे अगर मैं इस तरफ घुमाऊ मतलब एंटी क्लॉक तो इसमें जो पल्स का जो वेट है वो कम होता जाएगा मसलन अगर ये मैं इसे नॉर्मल रखू सबसे कम रखू यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है तीन ग्राम जी है और सेवन ग्राम तो अगर मैं इसे तीन ग्राम पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा जोर लगाने से नीचे से ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा मैं जोर लगाऊंगा तो ऊपर उठ जाएगा उससे क्या होता है टांगा ठीक नहीं लगता क्यों नहीं लगता क्योंकि हमारे पास जो सेल होते हैं वो आमतौर पर यहाँ पर पहले से ही उसमें टांगा लगा होता है तो जैसे हम इसमें जो थ्री हंड्रेड ग्राम तक का वेट सेलेक्ट करेंगे तो इससे जो पतरी है जो निकल स्ट्रिप है वो ऊपर से ठीक से बैठ नहीं पाएगी जिसमें स्पार्किंग ज़्यादा होगी जो है वो खराब होंगे तो इसलिए इसने आपने घुमा के अब पे लाना है 750 ग्राम पर तो फिर आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और ये जो निकल से ट्रिप है ये प्रॉपर ऊबर प्रेस हो जाएगी तो चलिए अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं एक मतलब वेल्डिंग करके देखते हैं सबसे पहले मैंने सबसे लो पे रखा हुआ है इसकी जो करंट है तो उसे देखते हैं क्या करता है वेल्डिंग नहीं की लेकिन सिर्फ निशान आए हैं ऊपर मैं इसे बढ़ा देता हूँ थ्री पे ले जाता हूँ थ्री पे इसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है वेल्डिंग की है लेकिन अच्छी की है लेकिन वाली बाज़ नहीं दिखें और इसे मैं घुमा के अब ले आता हूँ फ़ाइव पे तो आपने पल्स देखी है और ये काफ़ी मज़बूत टांग का लग गया देखें उतर नहीं रहा और ये जो निकल से ट्रिप है ये फट गई है ठीक है और इसके बाद अगर सेम चीज़ को मैं रिपीट करता हूँ एट पे तो क्या करता है वो देख लेते हैं अभी हम है। देखें बहुत बड़ा चंगारा निकला है। इतनी की ज़रूरत है ही नहीं हमारा जो काम है वो तकरीबन तो थ्री पे भी हो जाता है सॉरी कहाँ गया यहाँ पे छोटा सा निगहान है इसमें मैं थ्री पे ले आता हूँ तो वहाँ पे भी ये अच्छा वेल्डिंग करेगा देखें उतर नहीं रहा अभी तो चले यहाँ पर मैं थ्री पे करता हूँ वेल्डिंग से अभी ये देखें ये मैं कह रहा हूँ कि जब हम वेट यहाँ पर थोड़ा रखते हैं तो ये ठीक से निकल स्ट्रिप बैठ नहीं पाती और जो ये जो नोज़ल हैं ख़राब हो जाती हैं जो स्पॉट वेल्डिंग करने वाली आपको नजर आ रही है थ्री पे मैं करता हूँ अच्छा वेल्डिंग है थ्री पे भी चलें मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये नीचे से सफाई नहीं की इसलिए ये ठीक से टांका लगता नहीं है इसे तो सफाई करनी पड़ती है पहले जब आप इसे टांका लगाते हैं और आपको ये स्पार्किंग बहुत ज़्यादा नज़र आती क्योंकि मैंने इसका जो वेट है वो मैक्सिमम किया हुआ है लगा नहीं है इसकी वजह से चले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ इन दोनों सेलों को और यहाँ से कुछ ए ये वाले ले, ले लेते हैं ये बिल्कुल साफ है तो देखते हैं इस पे टांका कैसा लगता है अच्छा लग गया देखें काफी शोर लगाने के बाद निकला चले अभी हम इसकी जो टाइम की ड्यूरेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे है मैंने यहाँ पे जो है ये फाइव पे रहने देता हूँ और मैंने पी फोर को जो है वो सिलेक्ट किया है तो अभी देखें ज़रा टाका लग गया टाइम थोड़ा सा बढ़ गया अभी सिक्स को सिलेक्ट करता हूँ देखिए टाइम थोड़ा सा बड़ा है और टाइम ज़्यादा होने की वजह से इसमें होल भी जो है वो ज़्यादा हुआ है और मैं ऐट को सिलेक्ट करता हूँ तीनों हो गए अभी आप देखिएगा देखें कितनी देर तक यहाँ देखें जो टाइम टाइम था उसमें जो फोर था छोटा सा लग गया है और सिक्स पे बड़ा और आप देखें एट पे कितना ज़्यादा सेल जो है वो इसने कर दी तो ये इसके फीचर्स है स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन के अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसे नहीं बहुत अच्छी है मैं इसे खुद यूज़ करता हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा मजा आया लेकिन इसका मुझे अब पता चला है उससे पहले ये मुझे बड़ा तंग कर रही थी लेकिन जैसे मैंने इसका वेट बढ़ा दिया सेवन फिफ्टी ग्राम किया ये हंड्रेड परसेंट काम कर रही है अल्लाह हाफिज